वालेकुम, वेलकम टू ए बी डीज़ गैलरी। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारे घर में हम सारे तैयारी कर रहे हैं, आप भी आ रही है मेरे साथ, आप भी और उसकी फैमिली आ रही है और बच्चों आ रही है साथ में, मतलब दोनों बहनें आ रही हैं आज। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे। ये दही भल्लों के लिए आलू मैंने काट के रखे हैं और ये दही तैयार किया हुआ है। ये चटनी है अब्दुल्ला की, न्यूटेला ख़त्म हुई थी उसके अंदर ही चटनी डाल ली हमने। ये मामा चिकन बना रही हैं, मैं लाइट ऑन करती हूँ साथ। कहाँ गया? मामा चिकन बना रही हैं और साथ में चनों को हमने प्रेशर कुकर में रखा था ताकि ज़रा जल्दी से ये हो जाए वो दही भल्लों के लिए। और ये सेवियाँ बनानी हैं उसके लिए दूध। ये सारे आज बिजी हैं। आंटी मटर वाले चावल हमने बनाने हैं, आंटी मटर निकाल रही हैं और ये आंटी का हर वक्त फ़ोन साथ साथ चलता रहता है। आंटी अपने हस्बैंड से बात करती रहती हैं। ये अभी मैंने उनको कहा ज़रा चुप कर दें ताकि मैं बोल लूँ, उसके बाद आप बात कर लेना। और ये अब्दुल्ला जिसे कोई फिक्र नहीं है कि घर में कोई आ रहा है कुछ होना है, ये आराम से मोबाइल पर लगा हुआ है। और साथ में इसके नाक का ऑपरेशन हुआ था, इसकी हड्डी टेढ़ी थी तो उसके लिए ऑपरेशन हुआ था, इसी वजह से अपी वगैरह भी आ रहे हैं इसका पता करने के लिए। अब तो काफ़ी बेहतर हो गया वरना काफ़ी परेशान थे हम लोग इसके लिए। चने बॉयल हो गए थे, अब उसके अंदर आलू डाल दिए। ये सेवइयों के पैकेट हैं, अब इसको निकालते हैं। मैं निकाल लूँ फिर साथ आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसे तोड़ने लगी हूँ और साथ आज का डिस्क्लेमर आप लोगों को देती हूँ। आज हमारे घर में सारे बड़े परेशान हैं क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो खाला ने और मामा ने वॉशिंग मशीन लेनी थी, उसका रेट हमने लिया कल रात को, जो रेट लिया आज उससे 12,000 बढ़ गया। तो वो बड़े परेशान हैं कि क्या मुल्क का हाल होता जा रहा है, किस तरह रोज़ घंटे घंटे बाद फ़र्क पड़ रहा है उस रेट में। सर पकड़ के बैठी हुई हैं अभी मेरी खाला में। बहुत परेशान है सारे के पाकिस्तान के हालात कैसे हुए हुए हैं। बाकी अब मैं इसको साथ तोड़ लेती हूँ। ठीक है ना, ऐसे करोगी तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे कट ना, ऐसे ऐसे ही देखो हो गई ना छोटी, ऐसे 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 करते ना। मैं तो पैकेट के अंदर ही कर लेती होती हूँ, फिर थोड़ा सा मसला रह जाता है। आपने मुझे याद ही मेरा बताने का, पैकेट के अंदर ही ऐसे कर लो ना सारी टूट जाती, इस तरह तो वाही बड़ी गिरती है। मुझे बताया नहीं आपने, मैं करके फिर बाकी आपको दिखाती हूँ। अब ये हो गया सारा, इसको छोटा कर लिया और ये साथ नीचे भी बहुत ज़्यादा गिर गई है, अब दोबारा से साफ़ करनी पड़ेगी शेल्फ सारी। तो मैं शेल्फ साफ़ कर लूँ पहले और ये मामा को दे देती हूँ अभी। वैसे अब ये मैं मामा को दे देती हूँ साथ, अभी शुरू तो नहीं की बनानी, अभी चिकन बन रहा है और साथ दही मतलब का सामान बॉयल हो रहा है, तो इसको साइड पे रख देते हैं, जब चूल्हा फारिग हो जाएगा फिर इसको भी शुरू करेंगे। और मैं साथ में पहले आपी को भी कॉल करके पूछ लूँ कि वो निकली है कि नहीं। दही भल्लों के लिए प्याज काटने लगी हूँ साथ में, बाकी ये सारा कुछ हो रहा है तैयार। अनियन भी चॉप हो गया हुआ है अब दही भल्लों के लिए, बाकी साथ साथ काम कर रहे हैं। और अभी मैंने आपी को वगैरह को फ़ोन किया, वो लोग तो अभी तक निकले भी नहीं, हमारा तकरीबन सारा काम तैयार भी हो गया हुआ है। अभी ये तकरीबन तैयार हो गई है, मैं इसमें चीनी डालने लगी हूँ। तहरीन को साथ बिठाया हुआ था कि चम्मच ला दे जाए, वैसे मामा ने बनाई है। हाँ ये थोड़ी देर हुई है अभी इसको आके चम्मच लाने से, आधा हिस्सा इसका हो गया, 10 मिनट में नहीं लाया। अच्छा अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी, पकड़ा देना। अभी कितने काम मुझे दे रही है। हाँ ये इतना सा इसके पकड़ने का बहुत ज़्यादा काम हो गया। डाल दो डालो। देखो दो हाथ मेरे फाड़ी के लिए, एक हाथ दोनों हाथ मेरे भी, दोनों हाथ काम कर रहे हैं। देखो तेरा बोर्ड से। हाँ ये खुद डाली है। अब इसमें हम लोग तेरा चीनी कम ही खाते हैं, 3 डाल। हाँ जी चेक कर,
वैसे शाहिद भाई वगैरह ज्यादा तेज खाते हैं पर वो हमसे खाई नहीं जाती। इतना मीठा नहीं खाया जाता। अब मामा आ गई हैं। तहरीम क्या है, आधा हिस्सा मेरा बनाने में। पूरा ही गिन ले, पूरा ही काउंट कर लो। मैं यही कहूंगी तहरीम ने बनाई। हां जी, खुश हो। कंधे दर्द होने लग गए। इलाज कंधे दर्द होने की लग गए। अभी दही भले तैयार करने लगे हैं, वो मामा कह रही हैं कि खाला कर देती हैं क्योंकि उनके ज़्यादा मज़े के होते हैं। और ये चावल भी साथ में भिगोए हुए हैं। बस अब शीशे का बोल भी हमारे पास नहीं है। अब सेवैयाँ तैयार होंगी तो उसके फिर ये चावल रख लूँगी। और ये तहरीम को पीछे डांट पड़ रही है, वो से मम्मा सेवैयाँ डालने के लिए बॉल मंगवा रही हैं। वो कभी कुछ ले आती है, कभी कुछ ले आती है। और मुझे तो ये उबला हुआ खाने का बड़ा मज़ा आता है। आंटी भी साथ खाने आई है, ये मिक्स कर दे आंटी। थोड़ियाँ थोड़ियाँ लगन दी है ना मम्मा। अब ये भी तैयार हो गई है। अब चावल मैंने बनाने हैं, बाकी सारा कुछ मामा ने किया है। नहीं है, मैंने की है। हाँ, तहरीम ने बनाई है। हाँ, ये व्लॉग बाकी देखेंगे ना शाहिद भाई वगैरह, तो उन्हें पता चल जाएगा कि किसने बनाई है। अभी तो हम कह देंगे ना कि तहरीम ने बनाई है, लेकिन व्लॉग में सबको पता चल जाएगा। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? रशान आ गया। रशान, रशान और उसके मामू हैं, और ये रशान के बाबा हैं। रशान वैसे मेरे से नाराज ही रहता है ज्यादातर, मेरे पास बहुत कम आता है और तंग मुझे बहुत नखरे दिखाता है। हाँ, मैं इससे नाराज थी। अब मेहमान आ गए हैं, उनके लिए बोतल है, फिर साथ ही खाना रख देंगे। अभी बच्चों का इंतजार है, आए तो और उसकी फैमिली आ जाए। फिर रुशान के मामा पापा को तो बोतल दे दिया, रुशान बोतल पीता था साथ ही बीमार हो जाता। इसके लिए हम सेवियां लाए। खानी है चीजी, खानी है। अपनी मामा को देख के हंसता है, हमें देख तो मुंह बना लेता है। हमें देख कर तो मुंह बनाता है, मुंह बनाता है। रुशान तैयार हो गया खाने के लिए। रुशान मैं मारूंगा बाप को। रुशान का भी चैनल है, अगर आपने रुशान को देखना है, मैं उसका चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ पे आप इसकी देखना। रुशान गन्ना बड़े शौक से खाता। मेहमान आ गए हैं, अब मैं साथ साथ चावल बनाने लगी हूँ। अब हम जा रहे हैं अपना घर देखने, हमारा नया घर बन रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट्स में बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपने घर का नक्शा आपको दिखाऊंगी। हम नहीं चाहते। आप नहीं चाहती ना, मैंने अपने व्यूअर्स को कहा है। हमारा मकान है, बाकी मैं आपको बाद में पूरा नक्शा वगैरह बाद में दिखाऊंगी, अभी रफ आइडिया या ये अभी है। मैं मटर वाले चावल बना रही हूँ। चावल भीग गए हैं, इसका पानी मैंने निकाल लिया क्योंकि बालों पे अच्छा होता है, तो मैं इससे सर धो लूँगी अपना। और ये अब बस चावल भी तैयार, वो इसको थोड़ा सा बॉयल हो जाए पानी फिर डाल देंगे। और ये तहरीम पहले ही खाने लग गया सबसे। मुझे बहुत भूख लग रही है। ओके, क्यों, हमने भी आपके साथ ही खाना खाया था, आपने तो चीज़ भी मंगवा कर खाई थी। अभी तैयार हो गए हैं, ये लोग कह रहे थे कि सिंपल से बनाने हैं, कोई नमक मिर्च नहीं डालनी, इसलिए ये सिंपल से चावल है। अब बस बज्जो रह गई है आने वाली, बाकी तो सब आ गए हैं, फिर हम खाना खाते हैं। शान की लड़ाई हो रही है, तो शान कह रहा है मैंने कारपेट उठा लेना यहाँ से। कर लो, पहले बैठा बैठा लेट ही गया इधर, उसको खींचते खींचते। रुशान दे दे। ओए होए, हाँ जी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? थक गए हो?
क्या कर रहे हो रोशान? ओए हो कहाँ पर है आयत? कहाँ पर है? क्या कर रही हो? हाँ ये इतनी लेट आई है, इसको हम खुद ही लेके आए हैं, इसके बाबा आए नहीं थे। पकड़ती हूँ, अच्छा आ जाओ। तो ये लोग इतनी लेट आए हैं, हमने खाना भी खा लिया था, फिर अब इनको खाना खिलाया हमने। आए तो सवैया पसंद आई है। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या लेना है? बैठ जाओ दोबारा, फिर से जाना। और ये आयत ने चीज भी पकड़ी रही है ना, ये बड़ी खाला ने दी। आयत और रशान ने एक दूसरे को इतना अच्छा वेलकम किया है ना, एक दूसरे को हग करके इतना प्यार किया एक दूसरे को, माशाल्लाह। आ जाओ, आ गए ये। हाँ चलो रशान, आयत रशान को प्यार कर दो, आयत रशान को प्यार कर दो, पारी कर दो भाई को। भाई को नींद आई हुई है अब। आयत रशान को लॉलीपॉप खिला रही है, ये लड़ाई होने वाली है बस। आज का व्लॉग इधर तक ही था, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश खुश रहें, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़।